सॉरी 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 आवाज बंद थी सो सॉरी वेलकम टू एवरीवन आ जाओ हम लोग फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था अब साउंड आ गया ठीक है हां हां सही बात है होली के कुछ नशे में मैडम होगी ना ऐसे ही बोले चले जा रही बिना माइक ऑन किए नहीं बेटा मैं पीती उ नहीं हूं चलिए अब सुनिए हम लोग कल कर चुके थे दो, दो सौ पांच तक नहीं अब आगे करें अब आ रही है ना बिल्कुल चलो अब आ जाओ हम लोग देखो बेटा यही बैच है जिसमें मैं पढ़ा रही हूं। ये। आ, दो सो छ में आ जाते आ जाओ दो सो छ में देखो ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड 206 में रिडंडेंट बेटा याद रखना मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा ट्रिक बताऊंगी याद करने का ये चीजें याद रखोगे ना तो आसानी होगी री कहीं पर भी दिखे ना समझ जाना फिर से फिर से यानी अगेन या बैक जैसे कहते हैं ना रीडू करना रीडू फिर से करना रिबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना रिबॉर्न मतलब होता है फिर से पैदा होना तो रिडंडेंट का मतलब जैसे री फिर से फिर से फिर से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ज्यादा हो गया वही तो है रिडंडेंट, सुपर फ्लोवर्स आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ऊपर से फ्लो करके निकल गया यार कितना पानी टंकी भर चुकी थी और ऊपर से फ्लो करके वो निकल गया सुपर मतलब ऊपर से फ्लो करके निकल गया ऐसा कह रहा है मैम गांजा पी क्या ही है ना बेटा मैं गांजा वंजा नहीं पीती है ना जिससे सुपर मतलब कुछ ज्यादा हो गया सुपर हो गया और फ्लूवस मतलब इसे फ्लो करके निकल गया बेटा रिडंडेंट का मतलब सुपर फ्लूवस होता है यानी कि ज्यादा हो गया सरप्लस हो गया एक्सेस हो गया कुछ ज्यादा हो गया सरप्लस एक्सेस यस देखो हिमांशु ने कर दिया एक्सेसिव अननेसेसरली यस अननेसेसरी है कुछ ज्यादा हो गया सरप्लस एक्सेस हिमांशु ने कहा है अननेसेसरी जितना नेसेसरी है उससे ज्यादा हो गया ठीक है सरप्लस एक्सेसिव अननेसे रि री फिर से री हुआ री डन रीडन मतलब बारा बार हो रहा है यानी ज़्यादा हो गया नहीं सुपर से ही फो करके निकल गया याद रखना बेटा प्लेटीफुल का मतलब सरप्लस नहीं होता है अब सुनो अगर मैं कहूं भाई इसका एंटोनिम तो थोड़ा सा थोड़ा सा का याद रखना स्कैंटी होता है स्पार्स Cares. मी एगर सब हो गया थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा मी एगर लग्जूरियंट ग्रोथ यस वेरी गुड बेटा जब बहुत अच्छा एकदम चारों तरफ बाग लहलहा रहे हैं खेत लहलहा रहे हैं यानी लग्जूरियंट ग्रोथ लग्जूरियंट Abundant जिसको कहोगे लेकिन लग्जूरियंट abundant कुछ अलग मीनिंग देता है यहाँ तो है कुछ ज्यादा हो गया इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था अबाउंड प्लेटिफुल्पल ये सब ample, ये सब मैं कहूँगी ना अच्छा खासा के लिए लेकर चलूंगी मैं यहाँ पे कह रही हूँ कुछ ज्यादा हो गया इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था ठीक है अब आओ नेक्स्ट हाँ लिमिटेड भी सही है बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो इसका में लिमिटेड भी होगा लिमिटेड लिमिट में लिमिटेड अब आते हैं अन इंटरेस्टेड बेटा ये दो शब्दों का बना है अन और इंटरेस्टेड मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यार तुम क्या अपने प्रॉब्लम सुनाते रहते हो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं तुम्हारे प्रॉब्लम में तुम इधर प्रॉब्लम सुना रहे हो और मैं इन डिफरेंट डायरेक्शन देख रही हूं यार बकवास करता रहता है दिन भर इसको अपनी ही समस्याएं लगी रहती है तो मैं आपकी समस्याओं को नहीं सुन के मैं इन डिफरेंट डायरेक्शन देख रही हूं इसका मतलब ही वही तो है अन इंटरेस्टेड इन डिफरेंट मतलब नहीं रखने वाला रवैया एपैथेटिक देखो मतलब नहीं रखने वाला रवैया Unconcerned, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है अनकंसर्नड हूं मैं ठीक है मैं कंसर्नड ही नहीं हूं तुम्हारी जो समस्याएं हैं बकवास करते रहते हो दिन भर आई एम अनकंसर्नड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड आई एम एपैथेटिक अनकंसर्न indifferent, इसका मतलब मतलब नहीं रखने वाला रवैया ठीक है दिस मीन्स नॉन शेलेंट यस वेरी गुड एक बहुत बढ़िया वर्ड है और ये दो तीन एग्जाम में आ भी चुका है मैंने क्या कहा मान लो मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूं कोई भिकारी आके इधर उधर खिड़की खटखटाता है कुछ मांगता है कि कुछ पैसे दे दो मैं दूसरे डायरेक्शन में देख रही हूं यार कौन ध्यान दे मुझे मतलब नहीं है इसका मतलब उसके जो प्रॉब्लम्स है उससे मैं बिल्कुल भी कंसर्नड नहीं हूं मैं डिफरेंट डायरेक्शन में देख रही हूं देखो दो वर्ड आ गया तैयार यार अनकंसर्न इनडिफरेंट अन इंटरेस्टेड समझ में आ गया गुड एंड इंट्रोस्पेक्टिव नेक्स्ट वर्ड बेटा ध्यान से देखना इंट्रो का मतलब ही होता है अंदर और इंस्पेक्टर वर्ड जानते हो ना बोलोगे हाँ मैम ये कौन नहीं जानता यही तो बनना है हमें इंस्पेक्टर वही इंस्पेक्टिव देखो इंस्पेक्टिव वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव यानी जांच निरीक्षण इंस्पेक्टर क्या करता है इंस्पेक्ट करता है और इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है जांच करना भाई बाहर क्या देख रहे हो दूसरों में तुम्हारा अगर नहीं हुआ तो तुम अपने अंदर देखोगे इंट्रोस्पेक्ट करो ना जैसे कई बार कहते हैं भाई ठीक है जो बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस को भी क्या करना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इन वर्ड लुकिंग अंदर देखो भाई मेरी में कहा कमी रह गई मैं क्यों नहीं कर पाया मैंने ऐसी क्या तैयारी की जो मेरी तैयारी ठीक नहीं थी हर फेलियर को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अंदर इंस्पेक्ट यानी इसका मतलब होता है इनवर्ड लुकिंग अंदर जांच करिए इनवर्ड लुकिंग ठीक है आप अंदर जांच करिए कि भाई आप क्यों रह गए ठीक है जिसको कहेंगे इंट्रोस्पेक्टिव एज सेल्फ एग्जामिन सेल्फ खुद का एग्जामिन करो सेल्फ एग्जामिनिंग देखो एक एक वर्ड करवा रही हूं बेटा मैं इसीलिए आपको समझना पड़ेगा ठीक है चलो आगे बढ़े फाइन सुनो ध्यान से नॉलेजेबल नॉलेज knowledge से बना है नॉलेजेबल का मतलब क्या हुआ जिसके पास नॉलेज है नॉलेज होने का मतलब है कि आप ज्ञानी हो बेटा कहते हैं ना ज्ञान का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाइए लोगों को ज्ञान के प्रकाश से क्या करिए लाइट से ज्ञान का प्रकाश मतलब ज्ञान का लाइट लाइट से एनलाइटन करिए सुनो ध्यान से लाइट से एनलाइटन करिए एन बेटा ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना उसको स्कॉलरली कहते हैं ठीक है ऐसे लोग एरुडाइट होते हैं एरुडाइट स्कॉलरली एनलाइटेंट नॉलेज इंटलेक्चुअल बेटा इंटेलैक्टेक्ट intellectual, intellect है आप में इंटलेक्ट है तो आप इंटेलेक्चुअल हो यानी ज्ञान है आप में इंटेलेक्चुअल और अगर अब कुछ नहीं आता आपको आप मूर्ख हो यानी पढ़े लिखे नहीं हो आप इलिटरेट हो आप कहोगे मैम मूर्ख तो अलग चीज हुआ बेटा मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा जो नहीं होता है अज्ञानी, इलिटरेट ठीक है ना जो अज्ञानी होते हैं उसको इग्नोरेंट भी कहते हैं अब देखो जरा एंटोनिम एनलाइटेंट का एंटोनिम इलिटरेट स्कॉलरली एरुडाइट इंटेलेक्चुअल का एंटोनिम इलिटरेट इग्नोरेंट ठीक है स्कॉलरली यस बेटा विजडम में मैं नहीं जाऊँगी नॉलेज होना अलग बात है विजडम अलग चीज है बेटा आपके पिताजी में विजडम है चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो तब भी यस मैन ऑफ लेटर्स वेरी गुड अगर स्कॉलरली की बात करें तो बेटा मैन ऑफ लेटर्स एजुकेटेड को कहते हैं है ना एजुकेटेड को तो नॉलेजेबल ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं और एंटोनिम इलिटरेट इग्नोरेंट समझ में आ गया वेरी गुड बहुत अच्छा तुम लोग बहुत समझदार हो यार हैप्पी होली यस कल है होली आज से ही होली सब लोग खेल रहे हैं पता नहीं मेरा तो दो दिन पहले ही बैंड बजा के रख दिए बच्चे जिस दिन दिन जाने वाले तो उसी दिन खेल लिए मेरे साथ चलिए समझ में आया देखो एक वर्ड में हमने कितने वर्ड्स डिस्कस किए हर किसी का ऑप्शन डिस्कस किए हैं क्यों किए आपको पता है रीजन बताओ सुनो ध्यान से सुपर फ्लोअ भी आया हुआ एग्जाम में नॉन शेलेंट और एपैथेटिक तो कई बार आया है इंट्रोस्पेक्टिव भी आया हुआ है और नॉलेजेबल का स्कॉलरली एरियोडाइट मैन ऑफ लेटर्स ये इडियम में आया है ये सिनोनिम्स में आया तो इसीलिए जब आप करो तो सारे वर्ड्स करो बढ़िया से करो नेक्स्ट आओ हिंडर्ड अब हिंडर जानते हो कई बार एक बार बच्चा कि मैम आपको ठीक है रूट आता है अब जरा हिंडर का रूट बताइए मैंने कहा हिंडर का तो रूट कुछ नहीं होता फिर अचानक ध्यान आया कि ठीक है जानते हो आप लोग ही सिखाते हो हम लोग को याद पढ़ाना अब जैसे बच्चा कहा कि नहीं आप सबका रूट बता देते हो जैसे अभी मैंने कहा आपको रूट इंस्पेक्टिव से स्पेक्टिव लगा जांच से अन, अंदर इंस्पेक्शन करना लेकिन सुपर का कोई रूट नहीं था तो मैंने कैसे सिखाया क्योंकि बच्चों को सिखाना है कि भाई सुपर मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया एकदम सुपर से फ्लो करके निकल गया जैसे टंकी भर गई तो ऊपर से फ्लो करके निकल गया ज्यादा हो गया एक्सेस हो गया यानी फ्लो करके निकल गया ठीक है इम्पेडिमेंट किस में लगा रहे बेटा अब हिंडर्ड जैसे मैंने कहा भैया तुम किंडर में जैसे कल मुझे ऐसे ही एक से डिस्कस कर रही थी मैं Osionfish. तो उसने भी कहा कि हाँ ऐसे याद करते थे कि किंडर आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को हिंडर करेगा हिंडर क्यों करेगा भाई भाई तुम बिजी रहोगे टिंडर में तो वो आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यार है ना वो ब्लॉक करेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि आपका दिमाग क्लॉग्ड है किस चीज से क्लॉग्ड है के थर्ड फॉर्म लगाते जा रही हूं क्यों क्योंकि यहां पे है है थर्ड फॉर्म नहीं दिमाग में तो कुछ और चल रहा है पढ़ाई पे ध्यान थोड़ी है नहीं तो टिंडर आपके लाइफ को क्या करता है हिंडर करता है ऑब्स्ट्रक्टेड बेरियर ऑफकोर्स ठीक है हर्डल बेटा जो हिंडर है वो हर्डल भी है तो हर्डल भी कर सकते हो राइट right? बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्टेड स्टॉप है ना दिस मींस क्या इम्पीड यस yes. देखो हिंडर का सिनोनिम में इम्पीड आएगा तो इम्पीडेड कर देती हूं मैं और क्या करूं नहीं देखो थर्ड फॉर्म लगाना है ना हर्डल प्रिवेंटेड वेरी गुड अनुपम प्रिवेंटेड जो मैंने आपको कहा है कि भाई हिंडर हो गया लाइफ कैसे टेंडर में रहता था दिमाग ब्लॉक्ड रहा ऑब्स्ट्रक्टेड रहा किसी और चीज से है ना उसी चीज में वो प्रिवेंटेड रहा उसके कारण थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है बेटा आशा में पानी फेर देना वो समझो ठीक है डैमेज हिंडर का मतलब क्या हुआ ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ अब याद करो डैमेज कल मैंने पढ़ाया था डिस्टेटेड एनिहिलेटेड है ना हाँ उन डेमोलिश इसीलिए आज इसको छोड़ देती हूँ उसको विराम दो कल वाला है फिर से उसको याद कर लेना। लेनाशन कर्नाटका कृष्ण कंत कृष्णकांत ओके ठीक है देखो डिस्टर्बड पर आपको दो वर्ड सिखाऊ मैं डिस्टर्ब कहोगे मैम कैसे डिस्टर्ब टर्ब टर्ब ट ऐसे याद रखो ना यार डिस्टर्ब का मतलब हुआ पर टर्ब. तो डिस्टर्ब पर टर्ब. बस याद रख लो, ये थर्ड फॉर्म में था इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म कर दिया ठीक है प्रोटेस्ट बेटा प्रोटेस्ट. देखे थे किसान लोगों ने एक साल तक प्रोटेस्ट किया उसने कहा भैया नहीं मानेंगे नहीं तीन फॉर्म बिल लेके छोड़ेंगे हटा के छोड़ेंगे है ना उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या किया वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो तीन फार्म बिल जो था ना जो सरकार ने अप्रूव कर दिया था वो कहे ना ये हम अप्रूव होने नहीं देंगे तो प्रोटेस्टेड का उन्होंने उन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्ट किया ठीक है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो प्रोटेस्टेड का ऑब्जेक्टेड हो गया अप्रूव को उन्होंने कहा नहीं तुम तो अप्रूव कर चुके हम अप्रूव होने नहीं देंगे डिसप्रूव किया उन्होंने उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया ठीक है डिसेंट यस वेरी गुड डिसेंट उसके खिलाफ थे वो नहीं होने देंगे क्लियर उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो आपका फार्म बिल है हम उसके खिलाफ है बी ऑब्जेक्ट टू इट वी डिसअप्रूव तुम तो अप्रूव कर दियो हम नहीं होने देंगे बेटा होता है किसी का दमन करना अपोज कहोगे अपोज देखो यहां पे लिख दू मैं अपोज फाइन डिसेंटेड भी लगा सकती हूं क्योंकि हम सबको थर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी लगा दू मैं यस yes. रिमोन्स्ट्रेट हिमांशु वेरी गुड वेरी गुड रिमोन्स्ट्रेट हिमांशु बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम तो. देवरूपा भी एकदम बिल्कुल तैयार रहती है वो दो हाथ दो बार हिलाती है ऐसे दिखाती है कि देखो मैं भी हूं <laughs> कुछ बच्चे एकदम रेगुलर होते हैं। बुशरा भी वेरी गुड ठीक है मैम बैच चाहिए बेटा क्लास के बाद मैं बैच के बारे में डिटेल बता दूंगी अभी पढ़ लो आ आप नहीं रोहित मैं किसी दूसरे एकेडमी में कैसे पढ़ाऊं बेटा खुद बताओ मेरा अपना है हाँ जो ये आप जो एकेडमीज का नाम ले रहे हो मेरे बाद आए हैं है ना तो अच्छा लगेगा मैं वहां जाऊँ बताओ? नहीं भाई आप अपने नरक के राजा हो तब भी चलेगा स्वर्ग में नौकर बन के क्या फायदा लेकिन मैं मानती हूँ मेरा केडी कैंपस में सब लोग खुश है और हम लोग यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं बहुत मैकेनिकल तरीके से काम नहीं करते सब खुश है यार यहाँ पे हाँ? एक लूडो किंग कह रहा है मोटी मैम यस कम से कम कोई तो नाम रख दो मोटी मैम रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा प्यार से मुझे कुछ भी बुला लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बदमाशी करोगे तो बेटा मैं ऐसे खींचती हूं ऐसे बांधती हूं दो बार और जुबान पे ऐसे ऐसे गांठ लगाती हूँ फिर छोड़ती हूं समझे <laughs> चलो जल्दी से फटाफट इसका एक पिक ले लो स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है चलो नेक्स्ट आओ देखो तो सब हो गया ना यस yes, सारा हो गया नेक्स्ट आओ कंसील बेटा जब हम कोई चीज सील कर देते हैं सील एस -E वाला सील हम कोई चीज सील कर देते हैं तो लोगों उसके नजर से कंसील हो जाता है कोई चीज हम सील कर दिए है ना तो लोगों के नजर से कंसील्ड हो गया सील करके बंद कर देते हैं। नहीं तो क्या होता है कंसील हो जाता है बेटा कंसील का मतलब क्या हुआ हिडन समझ में आया देखो कितना क्लोज है ऑप्शन इसका कंसील का मतलब अभिनीता वेरी गुड कंसील चिंटू जी आचार्य चिंटू जी वाह कंसील मतलब सील करके लोगों की नजर से हटा दिए हिडन कवर्ड भी चलता है यहाँ पे लेकिन बेटा अब क्या करूं मैं ऑप्शन ही इतना क्लोज था देखो मास्क वेरी गुड बेटा हम लोग मास्क पहनते थे ना पहनते थे क्या कब पहनना पड़ जाए कुछ पता नहीं यार ये कोविड भी है ना कोरोना भी घूम घूम के आता है है ना तो महिलाओं की तरह नहीं होता है कुछ नया वेराइटी दिखाइए कहता अच्छा अभी लीजिए नहीं ये महिलाओं के चक्कर में ऐसे ही है ये भी इसका भी यही हाल है कुछ नया नया वेराइटी दिखाते हैं ना तो कहता है अभी लीजिए चलो हिडन मतलब मास्क पहन लिए तो क्या होगा मेरा चेहरा छुप जाएगा मास्क ठीक है कई बार ऐसा होता है बेटा जब आप शील कर जब कहते हैं ना उसको उसके ऊपर कोई आप कुछ ऐसा स्क्रीन लगा देते हो ताकि आगे दिखाई ना दे तो स्क्रीन हो गया ठीक है ना बोलो वेरी गुड डिस्गाइज्ड सब को ढक दिया गया देखो बेटा चेहरे का जो पर्दा होता है ना उसको कहते हैं वी ई आई एल चेहरे का पर्दा उसको कहते हैं वी ई आई एल तो वी ई आई एल ई डी पर्दा करना वो भी तो वेल्ड हो गया हाँ यस गाना सुने हो ना पर्दा है पर्दा पर्दे में पर्दा नशीन है मतलब वो हिडन है उसका चेहरा हिडन है समझ में आया पर्दा का इंग्लिश बेटा याद रखना उसका मतलब होता है क्या ई आई एल ठीक है यस शील्ड बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन क्लैंडस्टीन विवेक यही तो मैं चाह रही थी कि तुम लोग वर्ड दे पाते हो कि नहीं क्लैंडस्टीन बेटा इसका मतलब होता है सीक्रेट सरअपटिशियस है ना Clandestine. कहते है ना कहते हैं बिल्कुल क्लाड करके अलग से ढक लिया है ना क्लैंडस्टीन सीक्रेट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है है ये आप साइंस में पढ़ते हो लेटेंट कि दिख तो नहीं रहा है लेकिन है क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि वो हिडन है ये देखो डिसोटेरिक अरे यार तुम लोग कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड दे रहे हो ये ऊपर चला जा रहा है बार बार देखो किटू ने दिया है disguised, वेल्ड सीक्रेट हिडेन क्रैंडस्टीन फोर्टिव स्टील स्टील थी एंड latent. एंड स्टील थली होता है बेटा चोरी से है ना वेरी गुड हो गया चलो अब सुनो कवर्ड कवर्ड हो मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है कवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोज मतलब बंद है ना जिसमें लिड लगा हो अनलिड हो जाता है उसको खोलना एंड सील्ड देखो मैंने आपको क्या कहा कि इस सील से समझाते हैं बच्चों को तो लोग क्या करते हैं ना कहते है, अच्छा सील से याद है तो कंसील का मतलब सील ना बेटा कोई चीज में सील लगा के उसको हिडन करते हैं ये याद रखो ठीक है श्राउडेड एसोटेरिक कह सकते हो एसोटेरिक कह सकते हो चलो क्लियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इस चीज को डिस्कवर नहीं इसको हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है अनसीन अनसीन तो हो गया बेटा जैसे कवर्ड हो गया क्लोज्ड हो गया इसको अनसीन कह सकते हैं है ना जो चीज कवर्ड है नहीं दिख रहा है हिडन को भी अनसीन कह सकते हैं शील्डेड हिमांशु अब शील्डेड कह सकते थे ठीक है चलो आगे चले रेलिश अब सुनो जैसे एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैम रेलिश का मतलब तो टेस्ट करना होता है क्योंकि खाना ही तो हम लोग रेलिश करते हैं फिर मैं उसको समझ नहीं आया कि उसको समझाऊं कैसे मैंने कहा एक काम करो बेटा एक बात बताओ बेंगोलीस क्या खाते हैं बंगाल में देखते हो उनका भोजन क्या होता है तो कहा फिश है ना माछेर भात कहते हैं मतलब मछली और भात तो मैंने कहा देखो ऐसे याद रखो बेंगोलीज फिश को रेलिश करते फिश को रिलिश करते हैं क्या कहा मैंने जो बंगाली होते हैं ना जाओगे वहां देखोगे वो फिश को फिश को हम ऐसे याद रख रहे थे फिश को रिलिश करते फिश को रिलिश अब समझ में उनको आ गया अच्छा टेस्ट तो करेंगे मुंह में जाएगा तो करेंगे ही है ना इसका मतलब हो गया कि वो एंजॉय करते हैं समझ में आ गया बेटा फिश को रिलिश करते हैं मतलब वो खा के एंजॉय करते हैं यस yes, फिश करी बेटा फिश करी बिहार का कभी खाए हो तुम लोग हाँ उधर जितने नॉन वेज होते हैं वो फिश करी खाते हैं उसका सरसों का और जो वेजिटेरियन होते हैं फिर वो क्या करते हैं तो वही टेस्ट लेने के लिए ना वो उधर ओल कहते हैं ओल का सब्जी जिसको इधर सुरन कहते हैं शायद है ना उसको फिश करी की तरह बना के खाते हैं आ जाओ <coughs> प्रताप कह रहा है देवरूपा नहीं है क्या बेटा देवरूपा आ गई है पढ़ रही है तुम भी पढ़ लो बेटा ठीक है ना वरना वही होगा तुम्हारा हाल जो भी मैंने कहा टिंडर आपके लाइफ को हिंडर कर देता है ना आ जाओ चाहो यानी क्या कहा मैंने कि आप उसको एंजॉय करते हो याद रखना बेटा एंजॉय जो करते हैं ना उसको हम लोग सेवर कहते हैं यानी कि खा के एंजॉय करना ऐसे एंजॉय करने की बात नहीं हो रही है ठीक है सेवर करते ठीक है इसका ज्यादा इसका ज्यादा आपको नहीं हो सकता क्योंकि जैसे एक ने कहा पैलेटेबल बेटा पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट ठीक है क्योंकि पैलेट ये होता है एक कह रहा है ड्रेसिंग नहीं बेटा ड्रेसिंग होते हैं जो उसके ऊपर सजावट होती है ना वो यहां तो हम खा के एंजॉय करने की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वर्ड खा के एंजॉय करना इस रिलेश अब इसके अलावा वर्ड नहीं है लेकिन क्या करे सिनोनिम कुछ नहीं था तो एंजॉय लिखा और ठीक है क्लियर आ जाओ नेक्स्ट रिवील रिवील का मतलब उजागर करना रिवील मतलब बिल्कुल साफ दिखा देना देखो ये नहीं बेटा कॉन्डिमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो मसाले होते हैं ठीक है रिवील का मतलब उजागर करना रिवील का दो बहुत अच्छा एडियम है जो बार बार आता है वो है let the cat out of the bag देखो और दूसरा spill the beans let the cat out of the bag and spill the beans यानी भांडा फोड़ देना है ना रिवील का सिनोनिम चाहो तो लिख सकते हो एक्सपोज ठीक है, क्लियर रिवील का मतलब एक्सपोज डिलीशियस का स्पेलिंग अंजू सही करो बेटा क्लियर अब आओ इसका एंटोनिम क्या होगा इसका एंटोनिम होगा हाइड और हाइड का तो हम लोगों ने कई डिस्कस किया है तो सब कुछ करना जरूरी थोड़ी है हाँ इसका एंटोनिम डाइवर्ज हो जाएगा नहीं हाइड का एक मिनट इसका सिनोनिम डाइवल्स हो जाएगा बेटा ठीक है देखो रिवील स्पेलिंग सही करो रिवील डिस्क्लोज़ ठीक है बिल्कुल सही है समझ में आ रहा है क्लियर देखो हमने आपको क्या कहा की सील करके कंसील करते हैं ताकि उसको हाइड कर दे किसी को दिखाई ना दे फिश को बेंगोलीस रिलिश करते हैं यानी खाकर उसको एंजॉय करते हैं सेवर एंजॉय देखो समझ में आया क्लियर एप क्यों कर रहे हो हिमांशु इसके लिए हाइड के लिए नहीं नहीं उसको छोड़ो ठीक है हालांकि तुम वो कैबलरी बहुत अच्छा से बहुत दे रहे हो ये बहुत अच्छी बात है वो क्या का बुक होपफुली जितने लोगों ने किया है सबको डिलीवर हो चुका है और अगर आप एक सप्ताह या दस दिन में डिलीवर नहीं हो तो आप कमेंट्स में अपना कंप्लेंट के साथ साथ और उसका जो आपका नंबर है ना जो ऑर्डर नंबर है उसको छोड़ देना ठीक है चलो यस yes! डिस्गाइज कॉम्लाज फिर सारा आ जाएगा बेटा क्योंकि हाइड का हम डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए नेक्स्ट आओ एक्यूट बेटा मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी यहां पे, बहुत बढ़िया बताऊंगी बेटा तीन तरह के एंगल होते हैं जरा मुझे बताओगे मैं आपको तीन वर्ड सिखा दूंगी एक्यूट एंगल राइट एंगल एंड ऑपट्यूज एंगल ना ऑप्सूस नहीं देखो ये तीन एंगल है जरा बताओ मुझे मैं सही लिखी हूं कि नहीं पहले ये मुझे बता दो कि तीन ऑपट्यूज एंगल होता है यार ऑपट्यूज ऑप्टूज क्या कर रही हूं मैं ऑप्टूज जरा दिखाना बोलना सही है ये तीन एंगल है बोलो जरा देखो तो सही बताओ तो ऑप्टूज हां बिल्कुल सही कर लिया स्पेलिंग मैंने एक्यूट राइट एंगल एंड ऑपटी एंगल अब सुनो मैं आपको क्यों कह रही हूं बेटा पढ़ा मैं मैथ्स नहीं रही हूं मेरा कोई इरादा नहीं है कि, कि किसी और का स्थान छीनने का आपको मैं कुछ तीन चीजें सिखाना चाहती हूँ बेटा एक्यूट एंगल में ऐसे बना देते हुए ठीक है राइट right एंगल ऐसे बना देती हूं और ऑपटीव एंगल में ऐसे बना देती हूं बेटा जरा ये तीनों देखो और समझो ये बैठने का तरीका मैं आपको बोल रही हूं ये बंदे का चेहरा ऐसे ठीक है ये बंदे का चेहरा एकदम ऐसे सीधा बैठा है और ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है चलो मैं तीन बंदे की बात कर रही हूं ठीक है सिर्फ आपको समझाने के लिए ध्यान से सुनना बेटा एक्यूट जब मान लो ऐसे बैठे हो कब बैठते यार पेट में दर्द है बहुत बुरी तरह से तकलीफ है है ना जब आप देखते हो जब इस तरह से कर रहे होते हो बेटा तब याद रखना आपके पेट में एक्यूट पेन है आपके पेट में सीवियर पेन है आपके पेट में शार्प पेन है बहुत दर्द है आपको मैं इसीलिए दिखाना चाह रही हूँ कि देखो तो ऐसे करके भाई एकदम एक्यूट पेन है मेरे पेट में मेरे पेट में एक्यूट का मतलब देख रहे हो क्या कर रही हूं मैं मैं पेट पकड़ के ऐसे झुक रही हूं यानी कि सीवियर पेन है शार्प पेन है एक्यूट का मतलब शार्प समझ में आ गया दूसरा ध्यान से सुनना मैं बिल्कुल नजर मिला के बात कर रही हूं आपसे एकदम सीधा हाँ बताइए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं बिल्कुल सच बोल रही हूं आप कहोगे बंदी सही है ये इसने कुछ गलत नहीं किया है ये अगला गलत है जो इधर उधर देख रहा है इसका मतलब है राइट का दो वर्ड याद रखोगे अपराइट। देखो राइट से दो वर्ड याद रखोगे अपराइट एंड राइटियस इसका मतलब है सही इंसान जो गलत नहीं किया है जो एथिकल अनएथिकल काम नहीं करता है अनैतिक काम नहीं करता मॉरल इमोरल कहते हैं ना अनैतिक को इमोरल काम नहीं करती है ये ये बिल्कुल सही है ये राइट है देखो अगर मैं राइट हूं तो मैं राइटियस हूं मैं राइटियस हूं मैं अपराइट हूं देखो ठीक है समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको राइट एंगल्स याद रखो ना अपराइट एंड राइटियस दोनों हैं जो बंदा बिल्कुल मॉरल एथिकल हो यानी कि गलत नहीं करता अब जरा ये ऑप्टूज देखो बेटा एकदम एग्जैक्ट यही वर्ड है मैंने राइट से आपको दो वर्ड दिया है लेकिन एक्यूट से मैंने कोई वर्ड नहीं दिया एक्यूट का सिनोनिम लिखा है मैंने अब ऑप्टूज का भी मैं कोई वर्ड नहीं दे रही हूं इसी का मीनिंग बताऊंगी सुनो इस तरह से जब फैल के बैठ जाते हो ना तो आपको कुछ कहेंगे ना बेटा जरा आ, मुझे तकिया किया ला के दे दो मुझे सोना है तो मेरा बेटा ऐसे फैल के बैठाता है अरे ममा खुद ले लो ना मतलब अनविलिंग टू डू एनी थिंग वो करना नहीं चाह रहा देखो ना कैसे फैल के बैठा हुआ है जब ऐसे फैल के बैठा हो ना तब आदमी क्या हो जाता है स्लो हो जाता है एंड अनविलिंग अनविलिंग का मतलब होता है विल नहीं है आप में विल मतलब इच्छा आप में इच्छा ही नहीं है कुछ करने की अनविलिंग टू डू और अंडरस्टैंड समथिंग देख रहे हो मैंने आपको तीन वर्ड सिखा दिया बेटा जब आप इस पोजीशन में बैठ गए मैंने कहा अब किस पोजीशन में बैठे हो हट, हटा लो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही थी यानी अगर मैं कहूँ कि बेटा इसको भी डिलीट मारो इसको भी और इसको भी अब एक्यूट का मतलब समझ जाओ राइट right से दो मतलब बनाया वो समझ जाओ और ऑप्ट्यूज का मतलब भाई मुझे अब नहीं मतलब है आई एम अनविलिंग रिलकटेंट वेरी गुड अनविलिंग एंड स्लो टू अंडरस्टैंड इसका मतलब रिलकटेंट हो अनविलिंग हो मतलब नहीं करना चाहते हो देखो ये तीन एंगल से तीन वर्ड नहीं मैंने आपको एक मीनिंग दो नया वर्ड और इसका मीनिंग समझा दिया समझ में आया बेटा कई बार आपको ऐसे ही कुछ 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 नए चीजें निकालनी पड़ेगी नहीं रहता सब कुछ बैठे रहो सोचते रहो इसको कैसे करें इसको कैसे करें है ना क्लियर एक बात बताऊं मैं बचपन में याद किया था एक वर्ड जब हम लोग उस समय ये सेबलॉन वगैरह नहीं था हमारे समय में डेटॉल था तो डेटॉल जब लगाते थे ना तो बड़ी तेज उसमें शाप डल मतलब तो जो पेन है ना वो उठता था तो जब बहुत तेज दर्द होता था ना उसमें जब कुछ भी लगाए तो फिर हम लोग फूकते थे तो मैंने एक बार ऐसे सोचा कि बेटा हम सु सू -सू करके उसको फूकते हैं तो सूद करते हैं ना ठंडक पहुंचाते हैं आज तक मैं कभी भूली ही नहीं उस वर्ड को सूद सु कर करके जो फूकते थे ना तो कहते थे सुसु करके सूद करते हैं अपने दर्द को अपने जो पेन को मैंने यही कहा कुछ भी कहीं से कहीं से रिलेट कर दो मैंने कहा पटर्ब डिस्टर्ब एक ही जैसा है है ना उसको रिलेट करो आओ नेक्स्ट आओ डल बेटा एक्यूट का एंटोनिम पूछता ना तो मैं डल कहती एक्यूट पेन का एंटोनेम होता है डल पेन यानी मीठा मीठा दर्द जिसको कहते हैं धीरे धीरे दर्द हो रहा है है ना लेकिन डल का मतलब मूर्ख भी होता है है ना वो इंटेलिजेंट है वो मूर्ख है डल है फूलिश है और फूलिश का भी आगे शायद है कहीं इसलिए मैं थोड़ा सा रुकूंगी है ना डल का मतलब नॉट शार्प याद रखना ये एक्यूट का एंटोनिम है ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है ठीक है तो डल का फूलिश भी होता है लेकिन मैंने कहा अभी आगे फूलिश भी आएगा इसलिए करेंगे शार्प पेन का डल पेन भी होता है स्लो पेन हो गया अनप्लेजेंट वेटा प्लेजेंट नहीं है तो अनप्लेजेंट है तो प्लेजेंट का मतलब क्या खुशनुमा है ना कई बार होता है ना ये खुशनुमा वादिया मतलब यार प्लेजेंट साइट है देखने लायक है और वहीं पर कूड़ा का ढेर हो कूड़े के पहाड़ हो कितना अनप्लेसेंट साइट है यानी कि गंदा सा गंदा गंदा मतलब अनप्लेसेंट डर्टी हॉरिबल ठीक है ना जैसे कैसा अनप्लेसेंट साइट जैसे आ, मकबरे के पास चले गए अब मकबरा के पास पहुंचते तो कैसा फीलिंग आता है एक एक आता जैसे कि मरा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ है यार थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है अनप्लेजेंट सी फीलिंग आ रही है देखो मैकबीक अनप्लेजेंट हॉर अनप्लेसेंट मर मर्की एम यू आर के वाई मर्की से मक्की वर्ड भी याद रखना दोनों याद रहेगा अगर मर्की बोलोगे ना तो तुरंत मुझे मी घूसाम यस मैकबर रिपग्नेंट रिपग्नेंट भी होता है रिपल्सिव देखो रिपल्सिव लिखा जा रहा था मेरे हाथ से रिपग्नेंट की जगह बिल्कुल सही ये भी रिपग्नेंट ठीक है? ग्रोटेस्क देवरूपा, तुम तो पूरा बैच का एकदम सारे मुख्या रट गई हो बहुत अच्छे से तुम्हारा रिजल्ट चाहिए मुझे यस समझ में आया बेटा ये मंकी बेटा मेरी बात सुनो एक तो नाम के कारण तुम्हारा दिमाग भी वैसे मंकी की तरह और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं मानती हूं तुम लोग को पैसे दिए जाते हैं कमेंट करने के लिए किसी के नाम से लेकिन बेटा इंग्लिश का चैनल में क्यों कमेंट करते हो मैथ्स का के बताओ हाँ ठीक है कमाई कर रहे हो अच्छी बात है कुछ लोग हैं कुछ है हर चैनल में कमेंट करने के उन लोग को दो दो रुपये मिलते हैं लेकिन बेटा इंग्लिश पढ़ाती हूँ यार हा चलो हो गया ड्राउजी आप ड्राउजी मतलब डाउन गिरे जा रहे हो क्यों क्योंकि आप स्लीपी फील कर रहे हो स्लीपी ड्राउजी यानी कि नींद आ रही है है ना नींद लेने का मन कर रहा है आपको नहीं स्लीपी ड्राउजी बोलो हॉरेंडस बिल्कुल देवरूपा बिल्कुल सही मैंने horrible लिखा था हॉरेंडस नहीं लिखा था ये नहीं मानेगी जब तक हॉरेंडस नहीं लिखवाएगी तब तक यस हॉरेंडस लो हम्म आज ही मेंस दिया है रंजीत वेरी गुड अरे आज तो मैंने आप लोग से पूछा भी नहीं ना जो कि आप लोग का क्या रहा कैसा था पेपर बेटा टीडीएस बिल्कुल सही कर रहे हो टी का अगर मैं कहूं ना बोरिंग डल तो टीडीएस डल का सिनोनिम है यस लो लेजी यस आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही है जैसे डॉमिंट विल देखते हो वो कई सालों से फटे नहीं है हालांकि उसमें फटने की क्षमता है लेकिन वो डोरमिट है लेकडेसिकल यस वेरी गुड लेकल वेरी गुड तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देने लगते हो यार हा? वेरी गुड ड्राउजी स्लीपी दे दिया ठीक है हम्म, यस रचित ने दो अच्छे वर्ड दिए हैं पहले मैं वो कर दूक एंड इसने मुझे दिया है लेसिट्यूड यस वेरी गुड नहीं आर्टलेस अलग चीज है बेटा स्लगिश ये वर्ड सही है स्लगिश नींद सा महसूस कर रहे हो बेटा स्लीपी एंड स्लगिश ये ज्यादा है अच्छा वर्ड आलसी सा महसूस कर रहे हो तो डोर्मेंट लेजी लेकडिसिकल लेसिट्यूड ये सब हो गया बेटा मोनोटोनस वेरी गुड डल का एंड सिनोनिम बेटा डल यानी कोई चीज है ना स होता है तो आपको डल सा फील कर जाता है वो भी कर सकते हो क्लियर हो गया अब सुनो नेक्स्ट आप solicit, solicit मतलब क्या होता है हा? चलो एक काम करो सबसे पहले सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक करोगे हराम खोरी की एक सीमा होती है लाइक नहीं करोगे अब पढ़ते रहोगे हाँ डेढ़ हजार तो लाइक कर दिए हम पहले ही कर दिए हम समझ में आ गया मैडम फिर चिक चिक करेगी बाकी लोग नेक्स्ट आओ सुनो सोलिसिट बेटा आप सोलिसिटर जनरल सुने हो सॉलिसिटर जानते हो जनरली जो आपको लॉयर्स होते हैं ना आपके आपके सोलिसिटर होते हैं। है, है ना क्यों क्योंकि वो आपको सलाह देते हैं राइट right? आप क्या करते हो उनके पास जाते हो कहते हो प्लीज मेरी हेल्प करो मैं फंसने वाला हूं आप रिक्वेस्ट करते हो उनको फिर वो बिठाते हैं और कहते हैं भाई लो सीट पे बैठो और अब मैं तुम्हें सोलिसिट करूंगा दैट मीन्स पहले तो अब जाके कहते हो प्लीज मेरी हेल्प करो यू सीक एडवाइस फ्रॉम योर सोलिसिटर यू सीक एडवाइस यू सीक हेल्प फ्रॉम हिम इसीलिए सोलिसिट का मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट इम्प्लोर प्लीड रिक्वेस्ट करने का गिर के तो प्लीड एंट्रीट, सीक यू सीक हेल्प फ्रॉम देम एम्प्लोर प्लीड सीक, ठीक है एंट्रीट, देखो पेटिशन तो नाउन हो गया बेटा बेग अर्ज प्रे हिमांशु वेरी गुड बेग, अर्ज प्रे सब अलग अलग लेवल पे बेटा किसी को गिड़गड़ा के रिक्वेस्ट करना राइट right? समझ में आया सोमवीर थैंक यू सो मच ठीक है आस्क फॉर ये भी चलेगा इश्यू बिल्कुल सही है तो रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप उसको निवेदन कर रहे हो प्रे कर रहे हो बेग मतलब एकदम भीख मांगना गिड़गड़ा के प्लेट गिड़गड़ाना इम्प्लोर भी हाई तरीके से रिक्वेस्ट करना ठीक है बेटा कमांड जो होता है रिक्वेस्ट का एंटोनिम हुआ आप जब किसी को ऑर्डर करते हो तो कमांड करते हो कमांड और ऑर्डर अलग वर्ड है, है ना क्लियर बसीच ठीक है बिल्कुल चलेगा हुँ? ये लो आस्क फॉर आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड इसीलिए मैं डिमांड नहीं लगा रही हूं कमांड का ऑर्डर कर दिया ठीक है कैनवर्स कैनवर्स का मतलब होता है बेटा घूम घूम के वोट मांगना वो कहां से लगाओगे इन वोक इन वोक भी चलेगा यस आह्वान करना इन वोक वेरी गुड ऑर्डर आप कमांड करते हो तो ऑर्डर करते हो डायरेक्ट करते हो जब डायरेक्शन पढ़ते हो तो क्या है जब डायरेक्शन पढ़ते हो तो आपको ऑर्डर किया जाता है कि भाई तुम्हें ऐसे करना है है ना कमांड डिमांड करना ये भी तो चलेगा बेटा पी आर ई वाई का मतलब शिकार है मैंने ए वाई लगाया बेटा ठीक है सप्लीकेट यहां पर कहा होगा चलो अब आगे बढ़े बहुत सारे वर्ड्स से बेटा कहां कहां तक करते रहोगे सिंपेताइज किसी के साथ सिंपैथी दिखाते बेचारे का सब बहुत बुरा हुआ आप उसके साथ सिंपेथाइज करते हो सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा डिफरेंस है तो सिंपेथाइज का सिनोनिम में एम्पेटाइज कर सकते हो है ना सिंपैथी और एम्पैथी में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है तो सिंपेथाइज को सिनोनिम में एम्पेताइज कर सकते होताइ आई एसई -E. Empathy, एम्पैथी टी आई E और टी आई जेड ई दोनों चलेगा बोलो कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं कंडोलेंस बिल्कुल नहीं होगा बेटा कंडोलेंस तो होता किसी के मातम में जाते हो तो टी एम्पैथी एम्पैथी होगा पीएच नहीं होगा बेटा तुम पीएच लिख रहे हो वहां पे या जेड ई दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो हालांकि हम लोग एस ज्यादा यूज करते हैं ठीक है क्लियर एग्री का मतलब होता है किसी से आप एग्री कर रहे हो राइट आप उसके साथ एग्री कर रहे हो यानी कि आप सहमत हो उसका एंटोनिम डिसएग्री होगा अगर एग्री की बात करोगे तो बेटा इसका सैनोनिम में वही आ जाएगा अप्रूव ठीक है इसका एंटोनिम में वही होगा डिसब्रू प्रोटेस्ट राइट ऑब्स्टिकल तो बेटा अबंडेंट भी यहां क्यों होगा अब हुआ तो छोड़ देना यहां कहाँ छोड़ देने की बात हो रही है बेटा आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से लिखो ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़े बोलो कोई प्रॉब्लम 211 तक हो चुका बेटा मैं आज जब खत्म करूंगी ना तो उसके बाद आपको दो दिन तक रुकना पड़ेगा हाँ समझ में आया क्लियर द रीजन इज प्रॉब्लम क्या है कि दो दिन सारे स्टाफ छुट्टी पर है और दिवाली है इसीलिए आज मैं जब खत्म करूंगी तो उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा बेटा हम लोगों ने अब दो, दो में चले 2000 क्यों बोल रही मैं 212 सर माउंट ऐसे सोचो ना बेटा ऐसे सोचना कि आप माउंट यानी माउंटेन के जब सर पे सवार हो गए तो इसका मतलब आप इतने बड़े माउंटेन को पार कर चुके हो यानि आप उसको क्रॉस कर चुके हो ओवरकम यानी कम ओवरकम उसको पार कर चुके हो सरमाउंट ऐसे याद रखना बेटा कि आप किसी माउंट के ऊपर चढ़ गए तो बेटा वो सरमाउंट कर गए यानी कि उसको पार कर गए देखो सरमाउंट का ठीक है समझ में आया सरमाउंट का ओवरकम यस इसका मतलब है उसको हरा दिया आपने इतने बड़े माउंटेन को आपने हरा दिया क्योंकि आप उसको पार कर चुके हो उसको डिफीट कर दिया आपने उसको आपने डिफीट कर दिया सब ड्यू कर दिया सबज़ुगेट कर दिया आपने उसको उस पर विजय प्राप्त कर गए कौन कर कर गए आप देखा देखो सब्जुगेट कौन कर सब ड्यू डिफीट ओवरकम है ना आउट डू यानी कि आप उसको जीत लिए हो ठीक है देखो वैंक्वेश यस वेरी गुड ये भी चाहिए वैंक्वेश यानी उसको पार कर जाना ठीक है डाउन वेरी गुड बेडाउन बी ई ए आर बियर नहीं कहते उसको बेयर कहते हैं ठीक है समझ में आया सप्रेस दबा देना वो अलग चीज होगा बेटा ठीक है यहां पे क्या है आप उसको ओवरकम कर गए यानी उसको पार कर गए वो डिफीट करके सब्जुगेट करके देखो डिस्काउंट तो जानते हो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है आसपास का इलाका तो सराउंड मतलब उसको घेर लेना चारों तरफ से एन सर्कल ठीक है क्लियर बाउंड्री वॉल बना दोगे चारों तरफ से तो बाउंड बाउंडेड बाउंडेड वर्ड है बाउंड करना एन सर्कल बाउंड चारों तरफ से घेर लेना ठीक है ना क्लियर सराउंड मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना देखो नेक्स्ट हाउ कैप्चर कब्जा करना किसी को पकड़ लेना जैसे पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया यानी एप्रीहेंड कर लिया वो भाग रहा था देश छोड़कर उसको पकड़ लिया उसको अरेस्ट कर लिया एप्रीहेंड अरेस्ट प्रिजन में डाल देना बेटा इन प्रिजन प्रिजन मतलब जेल होता है इन प्रेजेंट करना ठीक है देखो जेल तो खुद भी है ठीक है कैप्चर का देखो एप्रीहेंड जेल अरेस्ट जब्त करना कैप्चर कोई चीज करना सीज भी होता है राइट बोलो कैच ठीक है कैप्चर का सिनोनिम बहुत आसान दिया आपने कैच बिल्कुल सही है कंट्रोल अशर्प चलेगा देख रहे हो ये है खेरी लाइव और खेरी कैंपस के स्टूडेंट बसीज बिल्कुल सही है स्नैच सीज ठीक है कन्फ्यूजेट कब्जा करना कोई चीज़ को जब्त करना हो जाता है तो अगर मैं आ, सीज कर रही हूँ तो कन्फिस्केट भी लगा सकते हो कन्फिस्केट देखो याद रखना ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी वन से लेकर वन फाइव तक केड़ी लाइव में पढ़ा है बेटा और केड़ी लाइव में मैंने एक्जैक्टली exactly इसका अलग से प्ले स्टोर बना दिया ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं हो और वो वन से लेकर वन नाइनटी फाइव तक अभी आपके पास दो दिन छुट्टी है कल और परसों कल और परसों हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे रात में कोई पढ़ाई नहीं मस्ती करो खाओ पियो और जितना ठंड के मौसम में तुम लोगों ने पानी बचाया है ना बस उसी पानी से आप होली खेल लेना है ना बोलना भाई हम आपका पानी खर्च नहीं कर रहे हैं हम किसी का पानी खर्च नहीं कर रहे हैं हम बस अपना होली में हमने जो ठंड के मौसम में नहा के बचाए नहीं नहा के बचाए थे पानी को उस पानी को खर्च करेंगे और होली खेलेंगे क्या समझ में आया नहीं थैंक यू देखो चंदन ओडिशा से देख रहा है और याद रखना बेटा होली का फेस्टिवल है जिसको मन हो खेलने का उसी के साथ खेलो कुछ लोगों को परेशानी होती है होली से तो उनको मत करो अब कुछ लोग यही होता है कि नहीं मैम क्या परेशानी उनको उसमें परेशानी उसमें परेशानी नहीं बेटा कुछ लोगों को होता है जानते हो जैसे मुझे सांस का प्रॉब्लम है जब बच्चों ने मुझे मुंह पे लगाया ना वो चीज देखकर मेरी सिस्टर डर गई बहुत बुरी तरह से क्योंकि उसको भी सांस का प्रॉब्लम उसने कहा कि मुझे तो डर लग गया कहीं ऐसा ना तो हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए मैंने उस समय सांस रोक ली थी ठीक है जब लोग मेरे मुंह पर पोत रहे थे मैंने सांस रोक लिया था कि मुझे पता था मुझे सांस का प्रॉब्लम उठेगा तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है मेरा तो याद रखना बेटा खेलो बड़े प्यार से खेलो क्योंकि सब लोग हम जैसे ग्रोन अप नहीं है ना पता कि पता होगा कि हाँ किस चीज़ को कैसे निपटे कुछ लोग होते हैं नहीं समझ में आता उनको बस उसके बाद जब प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप भी डर जाते हो ध्यान रख के खेलो और मजे से खेलो और जितना हो सके उतना खेलो क्योंकि कल जब खेलोगे आप तो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद ढंग से नहाओगे ठंड के मौसम में तुम लोग नहाते भी नहीं हो इतने गंदे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे कई लड़कों को मैं कहती हूँ नहा धो के आते नहीं हो तुम लोग सुबह सुबह चलो एनी ऑल द बेस्ट और याद रखना बेटा ये मैंने 212 तक कराया है इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और जिन लोगों को होली का फेस्टिवल के साथ साथ पढ़ाई की भी चिंता है के लाइव ऐप को डाउनलोड करो आज और कल दो दिन आपका वहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है तो डिस्काउंट में मजे से वहाँ पे आप अपना जो बैच आपको चाहिए वो ले लो वहां पे अगर देखोगे बेटा मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ खेडी लाइफ में बहुत फर्स्ट क्लास टीचर्स है रीजनिंग के मैथ्स के जीएस के बेटा तो मुखर्जी नगर जब आओगे ना तो वो पता चलेगा हम लोग यहाँ पे जिस तरह के जिस लेवल की पढ़ाई कराते हैं ना बच्चा शांति से पहले एडमिशन ले लेता है उनको पता है यहाँ पे पूरी क्वालिटी मिल जाएगी बेटा तो हम लोग यूट्यूबर्स नहीं है हम लोग टीचर्स हैं हम लोग यहाँ रील बना बना के खुद को फेमस नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बच्चों को महलाते नहीं हैं हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कॉम्बो बैच लो अगर सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आप ऐप को डाउनलोड करके थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो नीतू मैम्स बैचेस दिखेगा आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके आप मेरा बैच देख लीजिए ठीक है हमेशा मोटिवेटेड रहना बेटा जिंदगी में बहुत कुछ करना है आज मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मुलाकात आज मैंने अपने ऑफिस में किया है और उसके बाद मैंने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी यह बात याद रखना दो मिनट सुन लो आपके काम की चीज है कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो सिर्फ सिलेक्शन दिखा रहे हो जितने फेल करके उनको तो नहीं दिखा रहे बेटा आज मेरे पास कैमरामैन तैयार था मेरे पास सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो तैयार करके कर रखते हैं इंटरव्यू के लिए वो तैयार था जो मेरा सेलेक्टेड कैंडिडेट आया था उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है और उसने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की है तीन चार दिन के बाद वो इंटरव्यू रिलीज हो जाएगा केडी लाइव में केडी कैंपस में सब में हम रिलीज कर देंगे सब कुछ तैयार था बेटा उसी समय एक लड़की आई जो अराउंड ट्वेंटी नाइन ईयर्स की हो गई है और अभी तक उसका दो मार्क्स तीन मार्क्स कुछ ना कुछ से रह जा रहा है इस बार वो फ्रस्ट्रेटेड होके आई थी कि उसने कंप्यूटर में कुछ गलत कर दिया कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं गया मैथ्स और इंग्लिश शानदार गया है जी शानदार गया है कंप्यूटर में उसने मिस्टेक किया बेटा वो बिल्कुल हताश होके आई थी मैं आपको रीजन बताती हूँ उसकी हताशा की चलिए और बता दो हरियाणा से एक पर्टिकुलर कास्ट से है जिसमें 22 तेईस साल में लड़कियों की शादी हो जाती है पंगे लेके वो यहां पर तैयारी कर रही थी उसका कहना था कि मैम मुझे था कि मेरा तो होगा ही होगा अपने खर्च भी वो निकाल ले रही है ट्यूशन पढ़ा के इस बार जब उसका कंप्यूटर खराब गया वो बिल्कुल टूट गई वो जो हमारा फोन है यहां का के डी कैंपस का उसने फोन करके ये कहा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूं अब मैं सुसाइड कर लूंगी एक बार मैम से मिला दो बेटा आपको मैं बता दू एक बात बताइए आप लोग कई बार कहते हो कि मैम आप सिर्फ जो सक्सेस है ना आप उसको दिखाते हो आप फेलियर को क्यों नहीं दिखाते हो बेटा वो लड़की पर अगर मैं चाहती तो मैं बोलती ना अगर ये कैमरा इसका इस पर करो और इसका लो ठीक है ना एक बात बताओ क्या वो लड़की जो मेरे कंधे पर सर रख के रोई है क्या उसको मैंने जो मोटिवेट किया अपनी लाइफ की बातें बता बता के क्या मैंने उस पर भगवान पर भरोसा करना सिखाया उसको समझाया कि शादी भी सही समय पर हो जाना चाहिए शादी में अपने हस्बैंड को ये भी बता दो कि हाँ मुझे तीन चार महीना का टाइम चाहिए मैं निकाल लूंगी हरियाणा में सब लोग को अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी में उनकी बहू हो तो उनका भी शान बढ़ता है मैंने उसको सब कुछ समझाया ये बता देती हूं मैं बेटा इंटरव्यू जो देना लड़का देने आया था ना जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था बेटा वो आधा से पौना घंटा इंतजार करता रहा स्टूडियो में और मैं उस लड़की के साथ पहले थी क्योंकि उसको मेरी जरूरत थी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उसका इंटरव्यू होना है गिने चुने कुछ सवाल ये पूछूंगी उसको भी मिठाई खिलाऊंगी और वो मुझे मिठाई लेके आया मेरे लिए सब कुछ ठीक है बेटा जो सक्सेस नहीं होता है ना जो सक्सेसफुल नहीं होता है जो सक्सी लाइफ में नहीं किया है उसको मेरी ज़रूरत होती है पहले और अगर आप कहोगे कि मैम आप फेलियर्स को नहीं दिखाते हो तो मैं आपको यही कहूंगी बेटा फेलियर्स को दिखाया नहीं जाता है कि देखो ये ये लड़की है जो फेल की है नहीं उसको मेरे सहारे की जरूरत थी वो इन्हें दे दिया और मैंने उसको ये भी समझा दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया मेरे स्टाफ ने कह दिया मैडम वो इस तरह के लैंग्वेज बोल रही थी मैंने उसको कह दिया जब भी तुमको जरूरत हो मैं इस समय से इस समय तक यहाँ रहती हूँ मेरे पास आ जाना बेटा मैं एक भी लाइफ को बचा लूंगी ना तो कल हो के जब उसकी शादी हो जाएगी उसके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे उसकी सरकारी नौकरी होगी वो एक उसकी फीलिंग होगी कि हां जब मैं टूट रही थी नहीं तो मैम ने मुझे सहारा दिया था जिसकी जरूरत है जिसको मेरी जरूरत है पहले मैं उसको दिया मैंने सहारा सक्सेसफुल कैंडिडेट को फिर जाकर इंटरव्यू ले लिया तीन चार दिन में रिलीज हो जाएगा वो बताएगा कि हम कैसे सक्सीड किए हमने क्या किया मेरे फादर कितने गरीब थे हमने अपनी गरीबी को कैसे दूर किया ये आपको मोटिवेट करेगा ये ऑन कैमरा होता है बिहाइंड द कैमरा मैं उनसे मिलती हूं जो सही में अभी टूटने के कगार पे है और जिसको शायद मेहनत में कसर उसने नहीं छोड़ा है किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है बस हम टीचर्स दोनों को इक्वली वैल्यू करते हैं चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हो मैं कभी नहीं कहूंगी फेलियर है क्यों हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो सकता है इसी साल हो जाए उसका उसको कंफ्यूजन हो रहा होगा हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए क्योंकि क्वालिफाइंग ही तो है कंप्यूटर मेहनत करो और अपने पर भरोसा कभी मत खोना आ बेटा याद रखना अगर हिंदू धर्म पे भरोसा करते हो तो हिंदू धर्म में ही कहा गया है कि 32 करोड़ योनियों को योनि मतलब होता है जन्म जो आप अलग अलग कभी कुत्ता के रूप में पैदा होते हैं कभी कहते हैं बिल्ली के रूप में पैदा होते चूहा के रूप में पैदा होते कीड़े के रूप में पैदा होते हैं कि हिंदू धर्म में आप इतने 32 करोड़ योनियों को पार करते हुए फिर इंसान के रूप में इंसान के रूप में उसके बाद पैदा होते हो चार हाथ पैर है ना सही सलामत है, है ना इस्तेमाल करिए जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालेगी मेहनत करो और याद रखना अगर कभी आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम है और तो मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत है बेटा बेधड़क मेरे पास आ जाना मेरे पास हमेशा अपने बच्चों के लिए समय है मेरा 10 मिनट आपकी जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी को बचा सकता है इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ ऑल द बेस्ट एंड यू आर ऑलवेज वेलकम कहाँ मेरे ऑफिस में मुखर्जी नगर में नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो ठीक है चलिए थैंक यू सो मच पढ़िए मन लगा के पढ़िए और कल बिल्कुल मत पढ़ना कल मज़े करना कल होली है चलो हैप्पी होली एंड गॉड ब्लेस यू